तो दोस्तों इस टाइप का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस आप भी बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो मेरे बोले हुए हर एक स्टेप को सही से फॉलो करके एंड दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देख के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का एक ट्रेंडिंग स्टेटस आप भी बहुत आसान से क्रिएट कर सकते हो। इसे क्रिएट करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन का जरूरत होगा जिस एप्लीकेशन का नाम है काइनवेस्टर। एंड दोस्तों काइनवेस्टर एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को क्रिएट करने में जो भी मटेरियल का मैं यूज़ कर रहा हूँ सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड दोस्तों आप लोग अगर कुछ एडिटिंग रिलेटेड सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक का आंसर देता हूँ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को कैसे क्रिएट किया जाता है देखते हैं। फर्स्ट दोस्तों आप लोगों को काइनवेस्टर एप्लीकेशन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के आइकन पे टच करना होगा। एंड टच करने के बाद दोस्तों आप लोगों को बीच वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग कुछ पिक्चर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं कुछ पिक्चर फर्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग पिक्चर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 5-6 पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों पिक्चर पर टच करने के बाद यहाँ पर टच करना होगा। तो इसके यहाँ पर टच करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, इसको जूम कर लेना होगा इस टाइप से। तो जूम करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर टच करना होगा। उसके बाद सेकंड पिक्चर पर चले जाना होगा। सेकंड पिक्चर पर जाने के बाद आप लोगों को इसे भी इस तरह से जूम कर लेना होगा। एंड उसके बाद थर्ड पिक्चर पर जाना होगा। थर्ड पिक्चर को इस तरह से आप लोग जूम कर लीजिए। एंड ये प्रोसेस जितने भी आपका पिक्चर है तो सारे में आप लोग कर लीजिए। तो मैं सारे में कर लेता हूँ। उसके बाद बोलता हूँ दोस्तों क्या करना है उसके बाद। तो दोस्तों सारे फोटो में मैं जूम करके सेट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, यहाँ पर प्लस के जो आइकॉन है इस पर टच करना होगा। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, नीचे जाना है, गेट मोड पर टच करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इस टाइप के आ जाएंगे। एंड दोस्तों लास्ट में वाइप पे जाना होगा। वाइप पे जाने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्लो लाइन जो सेकंड वाला है इसे आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ इसलिए दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। तो ग्लो लाइन है, इस पर दोस्तों आप लोगों को एक एक करके आप लोग सेट कर लीजिए। इस टाइप से इफेक्ट आएगा। तो मैं सेकंड वाले में भी कर लेता हूँ। तो इस टाइप से आप लोग सारे में एक एक करके सेट कर लीजिए। तो सारे में सेट होने के बाद आप लोगों को क्या कुछ करना है मैं बोलता हूँ। तो देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है। इस टाइप से बहुत एक अच्छा अभी से इफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेयर पे जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा। एंड जो भी मटेरियल का मैं यूज़ कर रहा हूँ सारा कुछ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, आप लोगों को पता है, आप लोग अगर मेरे वीडियो देखते होंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये लिरिक्स वाले जो वीडियो है इसे लाना है। एंड दोस्तों इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो पर टच करना होगा। एंड क्रोमा की पर टच करने के बाद इसे एनेबल कर लेना होगा। तो देखिए दोस्तों किस टाइप से हो रहा है, इस टाइप से जो लिरिक्स है उस टाइप से आ रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पर जाना होगा, मीडिया पर जाना होगा। एंड आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद एक जो ये वीडियो है इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। एंड दोस्तों इसको आप लोगों को नीचे इस तरह से सेट कर लेना है। एंड नीचे जाना है, इसे ब्लेंडिंग पे आप लोगों को स्क्रीन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप लोग ठीक से सेट कर लीजिएगा। तो मैं ठीक से इसे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पे जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा। एंड आप लोगों को क्या कुछ करना है मैं दिखाता हूँ, आप लोग देखते रहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये जो वीडियो है इसे आप लोग यहाँ पर टच करके फुल स्क्रीन कर ले। एंड इसे आप लोग नीचे जाइए ब्लेंडिंग पे, इसे भी स्क्रीन कर ले। तो देखिए इस टाइप से हो रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पर जाना होगा, मीडिया पर जाना होगा। एंड और एक वीडियो है उसे भी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये जो वीडियो है इसे आप लोग सिलेक्ट कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसे सिलेक्ट करने के बाद कैसा लुक आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप से इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, लेयर पर टच करना होगा, मीडिया पर टच करना होगा। एंड आप लोगों को जो बॉर्डर वाला PNG है उसे आप लोगों को चूज कर लेना होगा। तो मैं बॉर्डर वाला PNG को चूज कर लेता हूँ। इसे आप लोगों को फुल स्क्रीन करना है। एंड इसे खींच के आप लोग फुल वीडियो बराबर कर ले। तो देखिए दोस्तों आपका वीडियो रेडी हो गया है। एंड दोस्तों आप लोग अगर इसे थोड़ा सा डार्क
मूड देना चाहते हो तो आप लोगों को फोटो पर क्लिक करना होगा। फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिग्निटी को ऑन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हर एक फोटो में आप लोगों को टच करके हर एक को ऑन कर लेना होगा। तो मैं सब में ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा क्रिएट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डार्क मूड आ गया है, इससे और भी अच्छा लगता है देखने में। तो मैं थोड़ा सा प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, एंड आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का वीडियो मैं हर रोज़ एक ना एक लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा हम प्ले करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो बनकर रेडी हो गया है। आप लोग भी मेरे बोलो हुए हर एक स्टेप को सही से फॉलो करके इस टाइप का वीडियो एक आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। वीडियो अगर सच में पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।